तो आज हम समझेंगे शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट। और अगर आज मैं एक साल पहले आज से यानी कि 2020 में मान लीजिए दो साल पहले अगर हम 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा देते तो आज वो 1 लाख रुपए कम से कम 5-6 लाख रुपए के बराबर हो सकता था। बिल्कुल, अगर आप सही दिमाग से पहले इसको समझ लोगे, सही तरीके से यूज करना सीख लोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। शेयर मार्केट आपने देखा होगा, ये जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है, उनको तरीका पता है और शेयर मार्केट के बारे में वो जानते हैं A to Z क्या है। और आज से आप भी सीखने वाले हो क्योंकि मैं बिल्कुल आम भाषा में, सरल भाषा में सही तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। बस आपको ध्यान से समझना है एक एक चीज। ठीक, हम कर रहे हैं छोटा आज से शुरुआत। ठीक, क्योंकि पहले हम ये तो समझ लें कि शेयर बाजार क्या है, उसके बाद हमें किस तरीके से पैसा लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, कंपनी क्या है और ये शेयर एक्चुअली होता क्या है, क्या होते हैं शेयर और इसको आप मोबाइल में कैसे खरीद सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें पैसा कैसे बेच सकते हो, सब कुछ समझेंगे। ठीक, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आप बता दूं शेयर बाजार क्या है। तो मान लो यहां पर ये कोई कंपनी है, ठीक, ये कोई कंपनी आई है, ये कोई कंपनी है, ठीक, इसका नाम है क्या, कंपनी, ये कंपनी आई हुई है। ठीक, ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है यानी कि खर्चा करना चाह रही है कि हम 200 करोड़ की कंपनी को लाएं, 2 करोड़ की कंपनी को। मैं समझाने के लिए आपको अभी बता रहा हूं, कंपनी तो कई करोड़ों की होती है और कई जो है प्रकार की होती है। ठीक, तो यहां पर मान लीजिए 2 करोड़ की कोई कंपनी यहां पर आई हुई है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उस कंपनी के पास क्या है, केवल और केवल यहां पर 1 करोड़ रुपए है। ठीक, 1 करोड़ रुपए कंपनी के हैं। कंपनी चाह रही है कि क्यों ना हम इसमें हिस्सेदार बुलाएं, पार्टनर लोग बुलाएं। तो कंपनी अगर चाहे तो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि वो 1 करोड़ रुपए खुद ही दे देंगे। वो कंपनी ये चाहती है कि अगर हम उनको 1 करोड़ रुपए दे देंगे तो हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा और जो प्रॉफिट होगा वो इनके हिसाब से डिवाइड होगा। भाई जब जो, जाहिर सी बात है, जो आधा मालिक हो जाएगा तो उसी के हिसाब से चलेगी ना कंपनी। तो अब देखिए, अब आएगा यहां पर शेयर का मजा, शेयर समझने के बारे में। तो कंपनी ने क्या किया, 1 करोड़ की जरूरत, क्योंकि कंपनी टोटल कितने की है, 2 करोड़ की कंपनी ओपन होने जा रही है। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल्स वाली कंपनी या मोबाइल की कंपनी, कोई भी कंपनी ले लो, 2 करोड़ की ओपन होने जा रही है, 1 करोड़ कंपनी के पास है। तो कंपनी को कितने की जरूरत, 1 करोड़ की और जरूरत है, 1 करोड़ और होंगे तो 2 करोड़ हो जाएंगे। तो 1 करोड़ रुपए की यहां पर कंपनी को और जरूरत है। ठीक, 1 करोड़ की जरूरत है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी सोचेगी हम छोटे छोटे हिस्सेदार ढूंढ लें, छोटे छोटे मतलब 100-100 रुपए वाले। 100-100 रुपए वाले तो हमसे ये भी नहीं कह पाएंगे कि भैया हमारी है कंपनी और हमारे हिसाब से चलने दो, ये क्या है, ये तो नहीं हो पाएगा ना। अब 100 रुपए में तुम क्या कह लोगे, हाँ लेकिन तुम हिस्सेदार रहोगे, उस कंपनी से जो फायदा होगा वो तुम्हें जरूर होगा, लेकिन तुम वहां पर ज्यादा तो नहीं कुछ बोल पाओगे। अब कंपनी क्या करेगी, बहुत सारे लोग ढूंढेगी, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे लोग हो गए, ठीक, ये बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग, ये हम भारतवासी है मान लीजिएगा। ठीक, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इनको डिवाइड करेगी पैसा, उसी डिवीजन को शेयर कह देते हैं, उन्हीं के भाग को। जैसे मान लो 10 रुपए है आपके पास, 10 रुपए है और हमने इकट्ठे कितने लोगों से किए, वो 10 लोगों से 10 रुपए इकट्ठे कर लिए, तो वो जो 10 लोग हैं वही तो शेयर हो गए और उसी का एक नाम रख देते हैं हम शेयर, उसका एक नाम रख देते हैं। अब मान लीजिए कंपनी ने 1 करोड़ की जरूरत है और कंपनी ने जो शेयर लॉन्च किया हुआ है, कंपनी ने कहा कि हम 100 रुपए का 1 शेयर देंगे। उस शेयर का मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है, शेयर का मतलब होता है वो भाग, यानी कि हम इसके कितने भाग करेंगे। तो मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए का 1 शेयर निकाला, ठीक, ये है रुपए, ये हमारे रुपए हो गए इंडियन। कंपनी ने कहा ये 100 रुपए का हम 1 शेयर देंगे, 1 शेयर देंगे। ठीक, कंपनी ने कहा कि हम 100 रुपए में 1 शेयर देंगे। तो अब कंपनी को कितने शेयर बेचने पड़ेंगे, कंपनी को कितने शेयर निकालने पड़ेंगे, कंपनी को निकालने पड़ेंगे कितने, 1 लाख शेयर। ठीक, कंपनी को 1 लाख शेयर निकालने पड़ेंगे, 1 लाख शेयर, क्योंकि 1 लाख में इंटू 100 करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा ना। तो अब कंपनी ने ये क्या निकाले, 1 लाख शेयर निकाले, इनका नाम है क्या, शेयर।
ये हो गए, इन्हीं को कहते हैं हम शेयर, इसी भाग को हम शेयर कह देते हैं। या कंपनी चाहे तो 50-50 रुपए की निकालती तो कितने हो जाते, 2 लाख शेयर हो जाते, तो वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। अब कंपनी ने आज ये अनाउंस किया कि भैया हम शेयर निकाल रहे हैं 100-100 रुपए के, हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा हो गया मोबाइल, ठीक। अब हम आगे कैसे काम करेंगे, देखो कैसे खरीदेंगे, ये हमारा हो गया क्या मोबाइल, और यहां पर एक एप्लीकेशन है, एप्स हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, होता भी है, ठीक है ना, प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने वो प्ले स्टोर डाउनलोड कर लिया और इसमें हमने क्या किया कि अब मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है खर्चा करने के लिए, ठीक, 1 लाख रुपए हमने खर्चा कर दिए। मैं आपको बताऊंगा, आप सोचेंगे कि हम इससे जमीन भी लेके डाल सकते हैं, जमीन में भी प्रॉफिट होगा, जमीन से कई हजार गुना प्रॉफिट होगा, आपको बस ध्यान से दिमाग से समझना है। मान लो आपने यहां पर क्या किया, ये हमने ऐप से शेयर खरीदे और ये मान लीजिए हमने 1000 शेयर जो है खरीद लिए, शेयर ये हमने 1000 शेयर खरीद लिए, ठीक। 1000 शेयर हमें कितने के पड़े, क्योंकि 100 रुपए का एक शेयर पड़ा तो इनटू 100 तो हमारे कितने के शेयर पड़े, ये पड़े हमारे 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के ये हमारे रुपए हो गए, ठीक। ये 1 लाख रुपए के हमने कितने 100 शेयर खरीद लिए। अब मान लो हम ये 100 शेयर खरीद के डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ दिया हमने। अब 1 साल बाद क्या होगा, यही कंपनी 1 साल बाद अपना प्रॉफिट निकालती है, यानी कि कंपनी से जो फायदा हुआ वो फिर कंपनी फायदा निकालती है। अब मान लो मैं यहां पर समझाता हूं, यहां पर मान लो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2 करोड़ रुपए का, ठीक, 2 करोड़ का। देखो कंपनी में ऐसे ही बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि जब 2 करोड़ की कंपनी है, प्रोडक्ट आपने देखा है कि मान लो एक मोबाइल है उसमें 200 ग्राम प्लास्टिक तक नहीं है, जबकि वो बिकता है कितने का, लाखों का। ऐसे ही होता है कंपनियों में, ऐसे ही प्रॉफिट हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि 2 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, हो जाता है, दुगने तिगना हो जाता है, 4 गुना तक हो जाता है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं। मान लो 2 करोड़ का फायदा हुआ, कंपनी ने 1 करोड़ रुपए अपना खर्चा निकाल लिया, कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का अपना खर्चा निकाल लिया 2 में से, तो कितना बचा, 1 करोड़ रुपए यहां पर बच जाता है, ठीक, 1 करोड़ रुपए यहां पर बच गया है। अब 1 करोड़ रुपए को कंपनी क्या करेगी, अब देखिए यहां पर 1 करोड़ रुपए को कंपनी बांटेगी किनको, जिन लोगों ने ये शेयर खरीदे हुए हैं, जिन लोगों ने ये शेयर खरीदे इन सभी को अब कंपनी जो 1 करोड़ रुपए है वो बांटेगी। वो कैसे बांटेगी कि भाई जिसने जितने शेयर खरीद लिए उसको उतना मिल जाएगा, क्योंकि एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का एक शेयर। मान लो मैंने, यानी कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपने क्या किया, आपने 1000 शेयर खरीदे थे, ठीक। अब ये जो रुपए बटेगा वो बटेगा कितने में, इन सभी 1 लाख लोगों में जो 1 लाख शेयर बेचे थे। तो 1 लाख जो शेयर बेचे थे, तो अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एक शेयर पर, मान लीजिए यहां पर एक शेयर पर हमें कितने का फायदा हुआ है, 100 रुपए का, ठीक। एक शेयर में हमें 100 रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि अब ये शेयर कितने का हो गया है, अब ये शेयर हो गया है यहां पर, अभी ये एक शेयर 1 रुपए का था, अब ये 200 रुपए का यहां पर शेयर बन चुका है हमारा, यानी कि हमें 100 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। तो अब हम इनटू करेंगे कितने से, 1000 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 लाख की जगह यहां पर हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक, 2 लाख रुपए अब हमारे यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। हम इनमें से 1 लाख रुपए अपना निकाल लेंगे खाते में, यानी कि 1 लाख रुपए हम निकाल लेंगे, तो यहां पर 1 लाख रुपए हमारा जो शेयर थे वो शेयर जैसे कि तैसे बन जाएंगे और हमें 1 लाख यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब मुझे आप बताइएगा कि अगर आप इसमें 10 लाख रुपए खर्च करते तो आपको जस्ट 1 साल बाद 10 लाख रुपए तो प्रॉफिट मिल जाता और आपका जो पैसा है वो सेम का सेम रहता। अगर आप कहीं जमीन खरीदते, इतने में अगर कहीं इन्वेस्ट करते, कोई खर्चा करते, तो क्या आप इतना प्रॉफिट निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। अब ये तो हो गई कितनी फायदा, जो कंपनी को फायदा हुई है, ये तो सिर्फ उतना हो गया। अब इस शेयर का, ये जो शेयर है इसका मार्केट वैल्यू चला जाता है बहुत ज्यादा। कई बार जब कंपनी जैसे इस तरीके से प्रॉफिट में गई, हो सकता है ये शेयर की अब कीमत हो जाएगी 250 रुपए, हो सकता है कंपनी की इस शेयर की कीमत हो गई 250 रुपए।
अब अगर आपने ये शेयर भी बेच दिए तो आपको और डबल फायदा हो गया, यानी कि आप 1 लाख लगा लिए, हो सकता है आपको 3 लाख मिल जाए अगले आने वाले साल में। तो यही होता है शेयर मार्केट में, इसी तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। बस थोड़ा सा वो क्या है, वो सही तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी होती है। ऐसा नहीं है इसमें घाटा भी लगता है, मैं आपको आगे वो चीजें बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, इसका आपको कहां पर अकाउंट बनाना है, एक डीमेट अकाउंट होता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी तो आपने सिर्फ ये समझा कि शेयर मार्केट क्या है। अगर आपकी कोई यहां पर जो है कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको जोड़ देंगे। और आगे के वीडियो हम ये समझेंगे कि इसमें लॉस कहां होता है, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, और हमें इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना होता है, और आपको मोबाइल पे हम अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। मैं खुद आपके साथ भी इन्वेस्ट करूंगा इसमें, और क्योंकि जब मैं खुद करूंगा तब आपको दिखा पाऊंगा, ये चीजें सारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का अगर बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके बगल में घंटी आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको जो आगे आने वाला वीडियो है वो हमारा मिल सके। मिलते हैं पार्ट 2 में।